हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दोबारा ट्रैंगल चैप्टर की तरफ लेकर आया हूं क्लास टेन चैप्टर नंबर सिक्स मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का ट्रैंगल चैप्टर अब तक हम लोगों ने सात क्लासेस लिए हैं और हम एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट थ्री के सेवन क्वेश्चन तक आपको बता चुके हैं तो आज आठवें लेक्चर्स में आपका स्वागत है मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आप अपना कॉपी और पेन लेकर लिखना शुरू कीजिए क्योंकि अब हम आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चंस कल तक बताया गया था अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर आठ ये क्वेश्चन नंबर आठ अब आपके सामने हाजिर है इसी क्वेश्चन के हम लोग अब आगे बढ़ेंगे ओके क्वेश्चन नंबर आठ पढ़ा जाए क्या है मैथ्स बनाने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें जरूर बताऊंगा कि मैथ बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए और उसके हिसाब से फिगर को बनाते जाइए क्वेश्चंस अपने आप बताएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए कोई प्री सेट माइंड लेकर नहीं बढ़ना है कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है नहीं क्वेश्चन को पढ़िए लाइन बाई लाइन उससे एक एक स्टेप्स फोटो बनाते जाइए फिगर बनाते जाइए और देखिए अब आगे क्या करना है वो खुद बखुद सवाल बनाता है बताता है तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आपके सामने E इज अ पॉइंट ठीक है भाई E इज अ पॉइंट E एक पॉइंट है कहां पर ऑन द साइड AD, डी ऑन द साइड ए डी प्रोडक्ट पैरल ए बी सी डी यानी कि यह कहना चाह रहा है आपके सामने एक पैरलोग्राम ए बी सी डी सबसे पहले हम लोग को बनाना चाहिए तो लीजिए सबसे पहले हम लोग एक पैरलोग्राम बना देते हैं ये रहा हमारा पैरलेलोग्राम ठीक है ए बी एंड डी ये है पैरलेलोग्राम समांतर चतुर्भुज अगर यह पैरलोग्राम है तो पहला शर्त क्या होगा ए बी विल बी पैरले टू टी डी एंड ए डी विल बी पैरले टू डी सी एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ये तो इतने सर हो जाएंगे अगर ये समानांतर चतुर्भुज क्वेश्चन क्या कर रहा है कि E एक पॉइंट है कहां पर है ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरलोग्राम ए बी सी डी यानी कि ये जो हमारा AD है इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है ठीक है AD को हम लोग बढ़ा रहे हैं एक्सटेंड कर दिया तो कहा गया कि यहां पे एक पॉइंट ई e है कोई बात नहीं एक पॉइंट ई e हमने डाल दिया तो यहां तक तो बात खत्म यहां से लेके यहां तक का बात खत्म हो गया अब चलिए एंड और बी ई तो जैसे बोला बी ई तो बी से लेके ई e को ज्वाइन कर दिया जाए तो लेट्स सी हम लोगों ने बी से लेके ई e को कर दिया बी e से ई e को ज्वाइन कर दिया तो बी ई मतलब बी ई को हम लोग ज्वाइन कर दिया इंटरसेक्ट मतलब कट करता है सी डी एट एफी को इस सी डी को एफ बिंदु पे कट करता है कोई बात नहीं अब हमसे क्या कहा जाता है क्वेश्चन कहता है सो दैट साबित कीजिए ट्राइंगल ए बी ई ए बी ई कौन सा है यहां है ए यहां है बी और यहां है मेरा ई e. एक ये ट्रायंगल है ठीक है इस ट्रायंगल को मैं यहां बना देता हूं ए बी एंड ई एंड सी एफ बी सी एफ बी सी एफ बी कौन सा है सी एफ B इसको थोड़ा यहां बना देता हूं B एफ ठीक है ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया जो इसने कहा मुझे अब ये कह रहा है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये सिमिलर है तो मैं आपसे पूछता हूं कि सिमिलर होने के कितने क्राइटेरियाज थे सिमिलर होने के लिए या तो हमारे पास ट्रायंगल के क्रॉसिंग एंगल्स बराबर हो जाते यानी एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसिंग तीनों एंगल के तीनों से बराबर हो जाता यानी यहाँ पे क्या होता है ए जो है सी के बराबर बी जो है एफ के बराबर ई e जो है बी के बराबर ऐसा होता या तीनों साइड के रेशियो सेम हो जाते या एस ए एस एक एंगल होता जो दोनों में एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल बराबर होता और उस एंगल के जो दोनों साइड से जिस दोनों साइड से मिल वो ट्राइंगल बना एंगल बना था उस साइड्स का इस ट्राइंगल में और उस ट्रायंगल में दोनों के साइड्स का क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो सेम होता तो यही तीन क्राइटेरिया है तो अब हम लोग को क्या करना है इन्हीं तीन क्राइटेरियाज़ पे हम लोग को दिमाग लगाना है देखना कि कौन सी क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे ला पाते हैं अब आइए अब यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं कि एक मेरा ट्रैंगल है ए बी ई और ये है हमारा तो सबसे पहले इस चीज़ देखिए चूंकि मैं बहुत लैंग्वेजेस नहीं लिख रहा हूँ आपको सिंपली समझा कर आपके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ सबसे पहले आपका ये ए बी जो है और ये सी डी जो है ए बी और सी डी ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है सो यू सी दिस वन A, B, C, D, आपस में पार्लल है वट आई एम सींग इज पैरल टू ए बी इज पैरल टू सी डी एंड योर दिस लाइन पी एफ या बी ई ई या बी एफ जो भी कहिए पी ई इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट सी डी एट एफ तो क्या आप ये बोलेंगे सर दिस एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल क्या अल्टरनेट एंगल क्यों जब ऐसा साइड्स ऐसे होता है ना और ये दिस एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल अल्टरनेट एंगल तो यहां देखिए यहां पे क्या हो रहा है यहां पे ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका ये एंगल ये जो छोटा वाला एंगल है ये एंगल बराबर हो गया क्यों बराबर हो गया भाई अल्टरनेट एंगल हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ अल्टरनेट एंगल एक चीज यहां पर ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल क्यों भाई ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं ए इज इक्वल टू सी क्यों क्योंकि ये हमारा एक पैरलोग्राम था पैरलोग्राम में हम लोग ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं तो यहाँ पे दिस एंगल इज दिस वन योर ए दिस इज इक्वल टू सी ठीक है तो अब आप देख लीजिए दिस ए हैज बिकम इक्वल टू सी एंगल ए हैज बिकम इक्वल टू तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर जब अब आपका ये एंगल मान लीजिए थीटा है ये भी थीटा है सपोज़ कीजिए ये, ये अल्फ़ा है ये भी अल्फा है अब ये एंगल वा कितना होगा ये एंगल वन एटी डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा उसी तरह ये एंगल कितना होगा वन डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है एक सौ अस्सी डिग्री होती तो ये अपने आप जो है इन दोनों से निकल कर आ गया के एंगल बी इज इक्वल टू एंगल यहाँ e, का सॉरी बी नहीं ई एंगल ई यहाँ पे इसमें एंगल ई e, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल यहां पर बी देख रहे हैं आप देखिए बी एफ को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है सोच के देखिए एफ को कर रहा है और ए सी को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है दिस इज ए सी को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है जगह देखिए एंड ई जो है आपको बी को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है यानी ई e, बी को क्रॉसपॉन्ड तो क्या अब इसमें और कुछ समझाने की जरूरत पड़े पड़ेगी पड़ेगी एंगल 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 क्राइटेरिया से ए ए क्राइटेरिया जो हमारा थ्योरम है उसकी मदद से बीस टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर प्रूफ ओके तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सो दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम ए ए ए ट्रैंगल्स आर दिस ट्रैंगल ए बी ई ट्रैंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रैंगल एफ बी दिस प्रूट ओके okay? तो बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पढ़िए क्वेश्चंस के हिसाब से आगे लॉजिक लगाइए थोड़ा थोड़ा पार्ट क्वेश्चंस के पढ़ते जाइए फिगर बनाते जाइए आपका दिमाग अपने आप खुलते जाएगा और बेसिक चीज को याद रखिए कि हम बेसिक क्या था मेरा बेसिक अगर ये था कि अगर हमारे दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए सिमिलर होने के लिए अगर उसके तीनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग बराबर होने चाहिए थे तो क्या वो क्राइटेरिया फिट कर रहा है या तीनों साइड के क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो वाले या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो भी क्राइटेरिया फिट होता है उस क्राइटेरिया को फिट करके प्रोसीड सवाल तो बन के रहेगा कंसेप्ट क्लियर हो फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो फिर सवाल न बनने का मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता है ओके सो लेट्स मूव फॉर द योर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ओके okay? अगेन ये क्वेश्चन आपके सामने मैं बोलूंगा कि जैसे जैसे सवाल को पढ़ते जाइए वैसे वैसे फिगर्स में कुछ कुछ लिखते जाइए अपने आप जो है ना आपको रास्ता खुलेगा अपने आप रास्ता खुलेगा रास्ता आप जितनी दूर तक देख रहे हैं दूर तक देखने के बाद आपको लगता है कि रास्ता बंद है लेकिन जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपको पहुंचेगा कि ओके यहां से भी एक रास्ता टर्न करता है और एक लाइट है एक रोशनी है एक किरण है जिसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए उसी तरह से सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और पढ़ते जाइए और देखिए सवाल कैसे नहीं बनता है क्वेश्चन नंबर 9 फिगर 6.39 ये आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है ओके ए बी सी ए बी सी के बारे में कह रहा है यानी कि ये ट्रायंगल है आपका ए सी ए ट्रैंगल हो गया ओके दिस ट्राइंगल एंड ए एम पी ओके ए एम पी दिस ट्राइंगल एम पी दिस ट्रायंगल इन दोनों ट्राइंगल में एक खूबी है जी क्या खूबी है दोनों ट्रायंगल में तो पहले ए कॉमन है ठीक है तो दोनों ट्रैंगल में खूबी क्या है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए अभी मैंने सवाल को पढ़ा नहीं आगे लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस ट्रैंगल में और इस ट्रैंगल में और इस ट्रैंगल में एक खूबी है कि दोनों में ए एंगल कॉमन है दूसरी चीज एम पर 90 डिग्री है और यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है तो एंगल बड़े वाले ट्रैंगल में इसमें ए बी सी में योर बी इज नाउ और इसमें इस, इस ट्रैंगल में योर एम डिग्री देखिए दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा किसी की हिम्मत है कि रोक ले क्योंकि ट्रैंगल के तीनों एंगल का जोड़ एक सौ अस्सी डिग्री होती तो आप स्योर कहेंगे सर दिस एम्प्लाइज दैट एंगल सी विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल पी तो अगर मैं अभी सवाल को छोड़िए क्या बोल रहा होगा सवाल लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल जो है ना सिमिलर हो गया एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया और ये कह भी रहा है कि साबित कीजिए कि दिस इज सिमिलर हम कहेंगे अरे क्या साबित करें सर ये तो ये क्राइटेरिया है और दिस क्राइटेरिया की मदद से ए एंगल क्राइटेरिया से क्राइटेरिया ए एस ट्रैंगल्स योर ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए तो okay. so हो गया. फर्स्ट पार्ट ऑफ बिना कुछ मेहनत के अब मैं देखिए दूसरा पार्ट को मैं नीचे बी पार्ट में क्या लिखा? अभी तक मैंने नहीं पढ़ा लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकल सकता था अगर ये चीज है तो यह क्या बतलाता है अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया अगर आपका ट्रायंगल सिमिलर हो गया इफ सिमिलर देन व्हाट देन अगर ट्राइंगल सिमिलर है या अगर ए ए ए क्राइटेरिया से भी देखें तो थ्योरम क्या कहता था कि अगर ए ए ए क्राइटेरिया अगर आ गया तो आपका क्रॉस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो सेम हो जाएंगे और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो क्रॉस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का मतलब मतलब ये कि अब इस ए पर आइए ए बड़े वाले ट्राइंगल में ए के सामने है बी तो बी बटा इस वाले ट्राइंगल में ए के सामने क्या है एम पी तो एम पी इज इक्वल टू यहां नाइन डिग्री के सामने क्या है सामने क्या है सी के सामने है ए बी और यहां पी के सामने क्या है पी के, के सामने है ए एम तो ये कहा से निकल कर आया क्योंकि अगर ट्रांगल ये थ्यूरम बोल रहा था मेरा थ्यूरम सिक्स फोर थ्यूरम सिक्स पॉइंट थ्री क्या कहता है कि अगर एंगल एंगल क्राइटेरियाज अगर है एक ट्रैंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है तो ये साइड्स अपने आप दिस रेशियोज बराबर हो जाएंगे और ट्रैंगल हमारा क्या कहलाएगा सिमिलर कहलाएगा सो so ये चीज बराबर हो गया और देखिए यही चीज शायद यहाँ पे प्रूफ करने के लिए लिखा है सी ए मतलब ए सी डिवाइडेड बाई पी ए ये चीज दिस वन

फंडामेंटल चीज को याद रखो एंड देन ट्राई टू डू द क्वेश्चन ऑन दैट दिमाग को अप्लाई करने की कोशिश करो समटाइम्स यू फाइंड के सर कुछ सवाल नहीं बन रहा है बट फिर से रिवाइज करो कि जितना मेरा फंडामेंटल uh, चीज था जितने फॉर्मूला थे अगर वो सारे सही हैं तो सवाल क्यों नहीं बनेगा सवाल जरूर बनेगा चलिए आगे सवाल को मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ आते हैं अब इस सवाल में देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ा नहीं है मैं आपके सामने ही पढूंगा और जैसे-जैसे पढूंगा वैसे-वैसे कुछ फिगर्स को बनाने की कोशिश करूंगा cd ओके दिस इज द cd एंड gh आर रेस्पेक्टिवली द बाईसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस एंड एंगल दिस सच दैट d एंड h लाइज ऑन द साइड ab एंड fe ऑफ ट्रायंगल दिस तो पहले सुनिए इतना वॉच लिखा हुआ है कि दिमाग ही काम नहीं करेगा जी तो सबसे पहले क्या कीजिए कि पहले दो बनाइए दिमाग छोड़िए बात कुछ पहले दो ट्राइंगल बनाइए उसके बाद फिर कुछ सोचेंगे देखेंगे कि कि बनता बनता है है नहीं सवाल बनता है। पहले दो ट्रायंगल्स बनाइए चलिए ए बी और यहां पर ट्रायंगल बनाइए आप ई e, ठीक है कितना बनाए उसके बाद कहता है डी एंड एच लाइज ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई तो डी पर डी जो है ए बी पर है ये जो डी पॉइंट है वो ए बी पर है ये डी पॉइंट है ए बी उसके बाद एच पॉइंट है एफ ई e पर एच पॉइंट है एफ ई e पर ओके okay? यहां तक ठीक है अब सी डी तो सी डी का मतलब है इसको ज्वाइन कर दें हम लोग ठीक है सी डी को ज्वाइन कर दिए कहां पे ज्वाइन करिएगा सी डी को ज्वाइन किए और एक जी एच को भी ज्वाइन कर दिए जी एच को भी ज्वाइन कर देते हैं कहा क्या जा रहा है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर का मतलब होता है जो दो भाग में बांटता है एंगल ए सी बी एंगल ए सी सीडी तो दो पार्ट में बांटता है मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कौन है जी एच है इस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ठीक है अब इतना तो समझ में आ गया कि भाई ये सी डी है और वो जी एच है और वो दिस एंगल को ये बाइसेक्ट किया वहां पे वो एंगल को बाइसेक्ट किया ठीक है समझ में आ गया अब क्वेश्चन क्या कहा जाता है अब आगे बढ़िए इफ

इसका मतलब ये है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ e, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी एक क्राइटेरिया तो ये है एंड ए बी बटा एफ ई इज इक्वल टू बी सी बटा ई इज इक्वल टू ए सी बटा एफ मैंने यहां से देख के लिख दिया यहां से देख के लिख दिया आप यहां समझिए ए एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ओके साथ ही साथ ए बी बटा ई एफ इज इक्वल टू बी सी बटा एफ जी या बी सी बटा बी सी बी सी बटा एफ डी बटा योर ट्रैंगल इज रिटर्न एफ ई जी बी सी बटा एफ ट्रैंगल इज यी और हियर ट्रांगल इज एफ ई ओके तो फिर से थोड़ा सा वापस रिवाइज की बैक वापस आइए लेट्स सी थोड़ा सा समझने के यहां पे एफ ई जी लिखा हुआ है एफ ई जी तो एफ ई जी का मतलब यह है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ ए इज इक्वल टू एंगल एफ यहां पे यह समझने वाली बात है कि दिस एंगल ए इज इक्वल टू दिस एंगल ओके दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए एंगल इज इक्वल टू एंगल एफ ओके ए इज इक्वल टू एफ एंड बी इज इक्वल टू ई तो बी बी इज हियर ई ई इज़ इक्वल टू ई ओके ये समझने वाली बात है कल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड सी इज इक्वल टू जी ये जो सी है दिस सी इज इक्वल टू दिस इज डी यहां पे समझिए देखिए ए इसके बराबर है ये बी उसके बराबर है ठीक है और ए बी बटा बी ए बी ए बी सी के सामने जी के सामने ई e, एफ वहां पर ठीक है बी सी बी सी जो है ना ए के सामने और ए किसके बाद एफ के बराबर एफ के सामने ई e, जी तो वहां पे ई जी ई जी ई जी इज इक्वल टू ए सी ए सी दिस वन बी के सामने बी किसके E E के बराबर, e के बराबर सामने FG. तो वहाँ पे डिवाइड ये कंक्लूजन है अब हम लोग को क्या साबित करना है वो समझिए प्रूफ दैट दो दिखाइए क्या दिखाइए पहला पार्ट पूछता है कि सी डी डिवाइडेड बाई जी एच सी डी डिवाइडेड बाईच ये साबित करना है सी डी डिवाइडेड बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई योर ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है अब इसको आपके पास कहा जाता है ए सी डिवाइडेड बाई एफ जी को साबित कीजिए सी डी डिवाइडेड बाई योर जी एच मैं अब आपसे क्या कहता हूँ ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है? बहुत ध्यान पूर्वक माइंड को अप्लाई करना है करना क्या है इसी भी तरीके से हम लोग को कोशिश करना है कि इसमें से कोई छोटा वाला एक ट्रायंगल को ले लें छोटे वाले ट्रायंगल को और यहां के किसी एक छोटे वाले ट्रायंगल को ले लें मतलब हाफ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल में से किसी एक को ले लें और किसी एक को लेके कोशिश करें कि वी शुड प्रूव इट कि ये जो है दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है वट टाइम सिंग मैं आपको फिर से दोबारा कह रहा हूं कि हम लोग को क्या करना चाहिए एक छोटा सा ट्रायंगल लेना चाहिए कोई भी डीसीबी जैसे यहां पे है डीसीबी डीसीबी तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग चूंकि ए सी और एफ जी का इन्वॉल्वमेंट है यहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट है ए सी का इन्वॉल्वमेंट है ए सी और एफ जी का इन्वॉल्वमेंट है ए तो सी ये है और एफ जी ये है तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग इस ट्राइंगल को इस ट्रैंगल को इस इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हम लोग को कोशिश करना चाहिए लेने के लिए ठीक है वट वी शुड क्योंकि हम लोग जब इस ट्रांगल और इस ट्राइंगल को लेंगे तो देन हम लोग देखेंगे ए सी बाई एफ जी ए सी का इन्वॉल्वमेंट यहां है एफ जी का इन्वॉल्वमेंट यहां है इसलिए इन दोनों ट्राइंगल को लेना चाहिए और उसको सिमिलर प्रूफ करना चाहिए जैसे ही हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे वी विल गेट रिजल्ट क्या है तो अब कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे वो देखिए आइए वापस बैक देखता हूं हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो अब हम इस पे बढ़ते हैं देखिए दो तो ट्रायंगल बनाते हैं आपके सामने ये ट्रायंगल बनाए ए, ये है मेरा ए ये है मेरा सी और ये है मेरा डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल हमने बना। अब नीचे वाला ट्रायंगल ले लीजिए नीचे वाला ट्रायंगल ये हो जाएगा तो ये दो ट्रायंगल आपके सामने हमने बना और मैं क्या कर रहा हूं कि आप कोशिश कीजिए कि इन दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर पाए तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए वो देखिए सबसे पहली बात जो अब तक मेरे पास है उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे जो मेरे पास है मैं उसी से आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या क्या है वो देखिए मेरे पास ये है ए एंगल इज इक्वल टू एफ एंगल वाह 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 हमारे पास है कि ये ए एंगल एफ एंगल के बराबर है अच्छा अब आप पूछेंगे सर ये ए को आपने एफ के बराबर क्यों लिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं देखिए ए इज यहां पे ए सिमिलर टू दिस और ए क्रॉसपॉन्ड्स टू एफ इसलिए ए को हमने एफ के बराबर लिया है तो यहां देखिए इन सब चीजों से ए एंगल इज इक्वल टू एफ इसका मतलब कि ये एंगल मेरा ए और ये एंगल एफ बराबर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है एक चीज मिला अब दूसरा एंगल एक और बराबर हो जाए तो काम हो जाए क्योंकि हमने आपको बोला था कि ट्रायंगल में कम से कम दो एंगल क्रॉसपॉन्डिंगली बराबर करिए तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाता है तो एक और एंगल को बराबर करना है अब आइए एक एंगल वो कौन सा बराबर होने वाला यहां फिर से पढ़िए एक बोलता है ईज इक्वल टू जी ये पूरा का पूरा सी इज इक्वल टू जी ओके तो अगर सी और जी बराबर है P और जी बराबर है यहां का सी और जी बराबर है एंगल सी और जी बराबर है तो क्या एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा बराबर नहीं होगा जब सी और जी बराबर है तो एंगल सी का आधा और जी का आधा बराबर होगा क्यों सवाल में लिखा हुआ है CD डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंगल उसके बाद जी एच इज बाई सेक्टर ऑफ दिस दोनों को बराबर और ये दोनों हमारे सी और जी पहले से बराबर थे तो सी बाई टू जी बाई टू बराबर सी बाई टू का मतलब क्या है सी बाई टू का मतलब है ये एंगल ओके दिस क्रॉस वाला और जी बाई टू का मतलब क्या है दिस एंगल so, इसका मतलब वहां से अब आप ये पा रहे हैं है,

तो अब आपने क्या साबित कर दिया यू प्रूव्ड यू प्रूव्ड दैट दीज टू ट्रैंगल्स बाई द क्राइटेरिया ऑफ एंगल 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 टू आर सिमिलर तो आपने क्या साबित कर दिया यहां पे? आपने ये साबित कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रैंगल ए के बदले में यहां पे एफ एंड डी uh, के बदले में हमारा एच एफ एच एंड सी के बदले में जी इस टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर ये हमने प्रूफ कर दिया कैसे प्रूफ कर दिया भाई हमने प्रूफ कर दिया एंगल 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 क्राइटेरिया एंगल 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 क्राइटेरिया से इस टू ट्रैंगल्स आर सी तो ये तो एक चीज आपका कौन सा हो गया ए डी सी एंगल एंगल क्राइटेरिया जब हमारा थ्योरम 6.3 याद कीजिए थ्योरम 6.3 क्या कहता था एंगल 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 क्राइटेरिया अगर आपके दो ट्रैंगल के लिए एंगल्स बराबर हो गए तो उनके साइड के रेशियो भी same हो जाएंगे। तो चलिए के The word is corresponding side के तो side के रेशियो। रेशियो। रेशियो रेशियो तो कौन है? वो आइए। अब देखिए देखने की कोशिश कीजिए यहां पे इस ट्रैंगल में थीटा के सामने क्या है थीटा के सामने है डीसी तो दिस इज डीसी डिवाइडेड बाई ठीक है यहाँ थीटा के सामने क्या है थीटा के सामने है आपके यहां पे डीसी है और यहां पे एच जी है दिस इज एच जी इज इक्वल टू अल्फा के सामने क्या है एडी एडी यहां पे अल्फा के सामने क्या है अल्फा के सामने है एफ एच एंड ये डी के सामने क्या है ए सी यहां पे इस एच के सामने क्या है एच के सामने है आपके पास यहां D के सामने है यहां H के सामने है योर एफ जी ठीक है तो अगर ये चीज हुआ यह चीज अगर हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया ए ए क्राइटेरिया था तो बाय थ्योरम 6.3 ये चीज होगा उस यूजिंग थ्योरम, थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3, तो ये चीज होगा और हमें ये कहा जा रहा था ये प्रूफ कीजिए क्या प्रूफ कीजिए भाई प्रूफ कीजिए AC by FG AC by FG इज इक्वल टू CD by GH CD by GH अरे ये तो प्रूफ हो गया भाई हम प्रूफ क्या करेंगे ये तो प्रूफ्ड हो गया ये और ये देखिए बराबर हो गया अब ये एक तीसरा ट्रायंगल वाला है DCB यहाँ पे है DCB इसको करना है F HGE के बराबर HGE के से सिमिलर करना है वो आप इजी वे में कर सकते हैं जैसा हमने ये पहले वाला किया है ये वाला उसी तरह से आप ये ये इसको भी प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन देख आदमी को घबराना नहीं चाहिए ये मैं आपको कह रहा हूं हमेशा क्वेश्चन देख के घबराइए मत क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट की मदद से ओके तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग आपको अब बताएंगे फिर से वो ये सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 11। बट ये अगले क्लास में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक ये सारे सवाल आपको अगले क्लास में बताऊंगा तब तक के लिए जितने भी क्लासेस अब तक हम लोगों ने लिए हैं ट्रायंगल चैप्टर पे उसको आप रिवाइज कीजिए क्वेश्चंस बनाइए प्रैक्टिस कीजिए यू विल गेट कॉन्फिडेंस और हमारे अगले क्लास का तब तक आप वेट कीजिए थैंक यू दोस्तों